हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में मैथमेटिक्स वर्ल्ड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। काफ़ी छोटा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, मतलब एक दो क्वेश्चन आता है बस, आना होता है तो ठीक है। तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे। 12th क्लास में हमने बेसिकली फॉर्मूले याद किए थे डिफरेंशिएशन के, 18-19 फॉर्मूले, उनको ही मतलब एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा ठीक है, और एक दो क्वेश्चन में करा दूंगा उस पर ठीक है। तो आपका डिफरेंशिएशन का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, जितना भी उसका बेसिक होगा वो भी सारा बता दूंगा ठीक है। और देखिए, इस वीडियो को BA BSc मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो देख ही सकते हैं, साथ ही में 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, उनका भी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 12th क्लास का, जो डिफरेंशिएशन का यूज़ है ठीक है। और भाई, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसी बनाए रखिए और बैक टू बैक इस तरीके से वीडियो आती रहेंगी ठीक है। और एक वो YouTube पेज भी, सॉरी Facebook पेज बनाया हुआ है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोस्ट अपलोड की हुई है, तो देखिए उन्हें और मुझसे कॉन्टैक्ट में रहिए ठीक है, आपकी हर तरीके से हेल्प की जाएगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवकलन ठीक है, वो शुरू करते हैं हम। चलिए, तो टॉपिक है भाई हमारा डिफरेंशिएशन। जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अवकलन, मतलब ये है बस भाई, हिंदी में तो कहीं ज्यादा यूज होना नहीं, होना तो हमारा इंग्लिश में, सारा कुछ हमारा इंग्लिश में है मैथमेटिक्स, पर हमें पता होना चाहिए हिंदी में भी क्या बोलते हैं। तो इसके मैं पहले जो आपके 17-18 फॉर्मूले होते हैं बेसिक फॉर्मूले, उनको मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार रिपीट हो जाएंगे और आपको भी मतलब अच्छी तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब इसकी एक वीडियो बनाई हुई है डिफरेंशिएशन की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, अगर आपको ज़्यादा बेसिक वहाँ से मतलब क्लियर करना है तो उस वीडियो को देखिए ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिक क्लियर है तो बेसिकली फॉर्मूले आप देख सकते हैं। तो भाई, पहला फॉर्मूला ये है d/dx, e की पावर x का निकालते हैं तो e की पावर x आता है। अब देखिए ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। अगर यहाँ पर हमारा x है तो यहाँ भी हमारा x ही होगा ठीक है, और यहाँ पर अगर d/dy है और यहाँ पर e की पावर y है तो e की पावर y होगा ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिक बात है 12th क्लास के, तो आप सभी पढ़कर आए हैं ठीक है। तो मैं सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, d/dx x की पावर n का mx n माइनस 1 ठीक है। अब देखिए n क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर, एनी नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ठीक है। और ये नंबर कैसे होंगे, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं हमारे, और होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सारे नंबर्स आ सकते हैं ठीक है, मतलब जो हमारा n बिलोंग करेगा वो करेगा इंटीजर्स को। तो ये फॉर्मूला हो गया d/dx, करते हैं हम log x का, तो इसका होगा 1/x, और बेस में क्या होगा, e, बेस में होगा हमारा e, क्योंकि भाई देखिए बेस का भी हमें पता होना चाहिए, अगर बेस में हमारा a होता तो फॉर्मूला कुछ और होता, अब बेस में e है तो ये होगा, और क्या होगा, x जो होगा 0 से बड़ा होगा, x की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 हो जाएगी तो भाई इन्फिनिटी हो सकता है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा तो कह सकता है। फिर अगला फॉर्मूला देखिए, d/dx, अगर बेस में a हो और x है तो इसका क्या होगा, ax log a बेस e, ये फॉर्मूला होगा ठीक है। और एक फॉर्मूला और है इसका ही, a की पावर x का ठीक है, d/dx करते हैं हम e की पावर x का, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारा, ax इंटू log e बेस a, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो ये तो हमारे कितने, 5 बेसिक फॉर्मूले हो गए बिल्कुल, जिन्हें मतलब बेसिकली हो गए अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, फिर हमारे सारे फॉर्मूले हमारे फिनिश हो जाएंगे जो डिफरेंशिएशन से रिलेट करते हैं ठीक।
और देखिए एक बात और मैं बता दूं, नोट पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, अगर हम करते हैं किसी भी कॉन्स्टेंट मतलब किसी भी नंबर का करते हैं तो उसका भी जीरो आना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एनी नंबर, किसी भी नंबर का करते हैं तो डिफरेंशिएशन जीरो आएगा किसी भी, मतलब देखिए जो यहाँ पर क्या है रिस्पेक्ट में x है, x के अलावा आप किसी का भी करो, a का करेंगे जब जीरो आएगा, b का करेंगे जब जीरो आएगा, c का करेगा जब जीरो आएगा, d का करोगे जब जीरो, बस x और y को छोड़कर जितने भी मतलब z को एक हाँ आप पढ़ सकते हैं, z को छोड़कर जितने भी होंगे सबका मतलब जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे हो गए बेसिकली अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूले होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। अगर हम डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं किसका, साइन एक्स का, तो क्या आएगा कोस एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं हम किसका, कोस एक्स का, तो आएगा माइनस के साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स निकालते हैं हम टेन एक्स का तो क्या आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है, और d अपॉन dx निकालते हैं हम sec x का तो क्या आएगा sec x इंटू tan x। तो हमारे देखिए भाई चार तो हो गए, सिक्स रेशो होते हैं हम जानते हैं, sin cos tan sec cosec और हमारा क्या होगा cot, अब हम किसका निकालेंगे cosec का, d अपॉन dx निकालते हैं cosec x का, cosec x का होगा माइनस के cosec x into cot x, ठीक है, और d upon dx निकालते हैं किसका, मतलब ये फॉर्मूले हैं इन बेसिकली आप याद रखेंगे और 12th क्लास में याद भी करके आए हैं, cot x का निकालते हैं तो माइनस के cosec स्क्वायर x, ये छह फॉर्मूले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए, छह और पांच कितने हो गए 11, ये फॉर्मूले और छह हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के होंगे वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के मैं लिख देता हूं, डी अपॉन डी एक्स निकालते हो आप साइन इनवर्स एक्स का तो क्या आएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स निकालते हो आप कोस इनवर्स एक्स का तो माइनस के वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स निकालते आप टेन इनवर्स एक्स का तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और डी अपॉन डी एक्स निकालते हो यदि आप कोट इनवर्स एक्स का तो क्या होगा माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हो रहे हैं, इसके बाद हमारे कोस एक्स का रह जाता है, और कोट का मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, यदि आप डी अपॉन डी एक्स निकालते हो किसका sec इनवर्स एक्स का तो क्या होगा वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी अपॉन डी एक्स यदि निकालते हो आप किसका cosec इनवर्स एक्स का तो क्या होगा माइनस के वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई आपके फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हुए, ये 19 फॉर्मूले हैं सारे कुल मिलाकर। तो देखिए भाई ये 19 के 19 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, मेरे आप देख सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बेसिकली 19 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, अगर ये याद नहीं होंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेसिक कंसेप्ट, चलो हाँ इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट क्या है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे, ये आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है, ये रे चलो अभी ने रफ करके और इसका कंसेप्ट बताता हूं।
जो जो मतलब यूज होगा बस, ठीक है। डिफरेंशिएशन की काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। ये आपका फोर्थ चैप्टर है कृष्ण प्रकाशम के अकॉर्डिंग, क्योंकि भैया आप जानते हैं सारे चैप्टर जो आ रहे हैं हमारे कृष्ण प्रकाशम की एक बुक है उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक देखिए, अगर हम डी अपॉन डी एक्स किसी भी तो फंक्शन का अगर एडिशन में है उन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये हुआ हमारा। अगर देखिए भी कोई दो फंक्शन अगर इनका और ये एडिशन में है तो अगर इनका डिफरेंशिएशन निकालते तो उसको हम किस तरीके से निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का अलग करते हैं प्लस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का अलग करते हैं, एफ एक्स एनी फंक्शन जी एक्स एनी फंक्शन, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। और एग्जाम्पल जैसे हम करते हैं, कहेगा क्वेश्चन ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का निकालना है, ठीक है। तो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। अब इसका हमसे कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, वो में निकालना है। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स दो फंक्शन है भाई, इसमें हमारे एडिशन में, तो हम कर सकते हैं अलग अलग इन पे अप्लाई, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, है ना। और हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, बस इसको हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा बस यहाँ सारे में, ठीक है। कहने का मतलब एफ एक्स और जी एक्स अगर सब्सट्रैक्शन में है, मान लीजिए एफ एक्स कोई फंक्शन जैसे ई की पावर एक्स और जी एक्स हमने साइन एक्स लिया, अगर ये माइनस में है तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन पूछता है हमसे ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का, तो इसका भी हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं, बस ये पर्पज है बताने का। और देखिए एक और दो और हैं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहेगा, डी अपॉन डी एक्स अगर आप एफ एक्स इंटू जी एक्स कोई तो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसी फॉर्मूले में देखिए आप मतलब इसी इन दोनों एग्जाम्पल को लेके इन दोनों टर्म्स को लेके मैं सारे मतलब फॉर्मूले आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई दो मल्टीप्लाई में है कोई दो फंक्शन, तो एक फंक्शन को सबसे पहले ऐसे रखो, मर्जी आप तो कोई से फंक्शन को भी रखो, मैंने एफ एक्स को रखा फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स जी एक्स का, ठीक है। प्लस ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस आना है, फिर हमने देखिए डी अपॉन डी एक्स करते जी एक्स का, फिर हमें जी एक्स एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, और जिसका हमने नहीं किया था उसको करते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का, ये फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिए, फॉर्मूला समझ के कीजिए। अब देखिए एग्जांपल इसका भी, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का कहता है इन दोनों का भाई मल्टीप्लाई में, इनका कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो e की पावर x एज इट इज ऐसे लिखो, d अपॉन डी एक्स किसका निकालेंगे हम साइन x का, प्लस साइन x का हमने निकाल दिया, साइन x एज इट इज ऐसे रखो, d अपॉन डी एक्स करेंगे हम e की पावर x का, ठीक है। तो e की पावर x साइन x का होगा हमारा cos x, प्लस साइन x एज इट इज ऐसे लिख देंगे e की पावर x का होगा e की पावर x, और e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई हमारा। देखिए भाई कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो, मुझे भी अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का कंसेप्ट तो भी आपको क्लियर हो गया होगा, एक डिवाइड का फॉर्मूला हो रहा है उसे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए भाई ये सारी चीज़ें आपको ट्वेल्थ की बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो सके, ठीक है। तो अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत आपको भी करनी होगी भाई, थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मतलब करके देखिए। अगर जिनका ज़्यादा बेसिक क्लियर नहीं है और जिनका बेस थोड़ा डगमगाया हुआ है तो इस शुरुआत से कीजिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। और देखिए नामुमकिन तो कुछ होता ही नहीं, समुमकिन है। अगर देखिए कोई तो फंक्शन डिवाइड में है तो उनको कैसे करते हैं, उसका होगा नीचे वाले का बस स्क्वायर कर दो, ये फॉर्मूले हैं
इनका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, पर प्रूफ में जाने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन से भटक जाओगे, मतलब क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और कर भी पाओगे तो भाई ये अपनी सेल्फ स्टडी से मतलब सारी चीज़ें ज़्यादा पाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि टीचर वगैरह कोई ज़्यादा बताते नहीं है ना। और अगर आपको चाहिए भी तो कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से आते हैं। ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर करते हैं, फिर वही फंडा, जी एक्स को ऐसे रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, एफ एक्स का। ठीक है, और बस यहाँ माइनस आ जाता है, एल की सारी बातें, एफ एक्स हम ऐसे लिख देते हैं, और डी अपॉन डी एक्स करते हैं जी एक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला हो रहा है, इसे आप याद कर दिए, ये वाला एग्जाम्पल ही लेके ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स का एग्जाम्पल लो, तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये तो इसका देखिए भाई बेसिक बेसिक हो गया। और जैसे कि मैंने अभी मैं लाइव आया था कुछ दिन पहले, अभी दो तीन दिन पहले मैं लाइव आया था अभी, तो वहाँ पर एक बात मैंने आपको बता रहा था कि भाई देखिए वीडियो हम ज़्यादा लेंथी करेंगे तो वो भी आपके लिए मतलब क्या हो गया कि बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, जैसे मतलब बताने को तो बहुत कुछ होता है चीज़ें कि भाई क्या है एफ एक्स कैसा है, ये सारी चीज़ें बताने को है कि हमने फंक्शन लिए किस तरीके से लिए, फंक्शन यही क्यों लिए, तो मतलब हमने डिनोटेशन दे दिए दो फंक्शंस को एफ एक्स और जी एक्स को। ठीक है, कहने का मतलब यह है वीडियो में मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती क्योंकि वीडियो हो जाएगी फिर ज़्यादा लेंथी है ना। तो देखिए बेसिक आपको बताया जा रहा है, जितना भी होता है जितने भी मतलब बताया जा सकता है उतनी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। बट देखिए ऐसा है कि आप भी थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, जितना हो सकता है उतने करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं दो दिन पहले लाइव आया था तो उसमें मैंने सारी बातें बोली थी, तो देखिए अगला जो मैं लाइव आऊँगा जो अब संडे आ रहा है हमारा 22 तारीख को में आ रहा है संडे, उस दिन मैं लाइव आऊँगा 11 बजे करीब, तो वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप मतलब कमेंट में लिखकर आपके सभी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आप तो मतलब बोल सकते हैं उसमें, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो उसके टॉपिक के ऊपर तैयार की जाएगी। और जो कुछ लोग हमारे करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह इन सब की वीडियो, उन सब की वीडियो आएगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं बेसिक बेसिक जो आपको नंबर गेन करा रहे हैं करा देंगे, वो टॉपिक मैं पहले लेकर चल रहा हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन अक्सर इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते पर पूछ ले आते हैं, तो दो तीन नंबर का भाई ये हमारा 12th का है, थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वाला टॉपिक मैंने आज उठा लिया और इसका आज एक ही वीडियो में इसका एंड कर देंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी बट आपको पूरा समझ आएगा। और वीडियो कहीं भी काटा मत कीजिए, क्योंकि कहीं भी देखिए अगर छोटी छोटी सी बात, मान लीजिए आपका यही ये जो सारी चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से, ये फॉर्मूला ये हैं हमारे, है ना, ये फॉर्मूले बताए हैं, तो जिनको नहीं पता होगा तो मतलब उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। बेसिक मतलब अगर आप वीडियो थोड़ी भी कट करते हो तो मतलब थोड़ी चीज़ें मिस हो सकती हैं, तो वीडियो आप फुल देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि भाई 1 घंटे तो आप बैच में भी पढ़ते हो तो लगभग 1 घंटे ज़्यादा की कोई वीडियो अभी तक है भी नहीं, तो आप 1 घंटे निश्चिंत होकर बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए, आपके टॉपिक सारे क्लियर होंगे बिल्कुल, है ना। चलिए अब बहुत बात हो गई, अब इसका थोड़े क्वेश्चन हम लेते हैं, उनके कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक था कुल मिला के कि इस तरीके से हम प्लस करते हैं, इस तरीके से माइनस करते हैं, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन वगैरह हम देख लेते हैं। बेसिक तो इसका सारा हो गया, बेसिक फॉर्मूले भी आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बेसिक फॉर्मूले क्वेश्चन वगैरह फॉर्मूले तो बता दिए आपको, अब क्वेश्चन वगैरह बताए जाएंगे। ठीक है, और एक वो हो रहा है जिसमें मतलब एक बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, ओके, जो मैंने मतलब 12th क्लास बेस पर एक वीडियो बनाई हुई उसे आप जरूर देखिए, डिफरेंशिएशन की उसे आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के द्वारा आपको फॉर्मूले वगैरह ही प्रूफ करके मतलब बताए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ क्या होता है वो भी मतलब आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा, जिसे हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ क्या होता है हमारा, dy अपॉन dx लिमिट s टेन 0 f माइनस के fx
और अपॉन में हमारा होगा x प्लस, ठीक है, तो भाई अपॉन में हमारा एच ओवर होगा, ठीक है, जो बता रहा था dy अपॉन dx लिमिट एस टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले के जरिए आप किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए जैसे कि आपको वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, कोई नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, उस वीडियो में मैंने बताया था। जैसे हम चलो देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का हम कह रहे हैं कोस एक्स होता है, इस बात को मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए जितने फॉर्मूले हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स हमारा होगा साइन एक्स, हमें साइन एक्स का चाहिए और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। अगर यहां पर एक्स है तो हमारा एक्स आया और एक्स प्लस एच होगा तो क्या आएगा साइन एक्स प्लस एच, है ना, साइन एक्स प्लस एच होगा, पुट कीजिए इसमें लिमिट एस टेंस 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस के साइन एक्स और अपॉन में एच, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारी ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, लिमिट एस टेंस 0। अब देखिए आप यहां पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा था, भाई यही है, आपको बेसिकली पीछे का जरूर पता होना चाहिए। मैंने मतलब एक सीक्वेंस है, मैंने वीडियो मतलब इस तरीके से दिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की दी है, वो वीडियो आप देखिए, उसमें सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से बेसिक चीजों पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो मैं क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का 12th क्लास में कि ये प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स ये सब वगैरह ई की पावर एक्स लोग एक्स इन सब का हमें प्रूफ करना होता है ना। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आया तो आप छोड़कर आ जाओगे, अब ये बात अगर हमें क्लियर नहीं होगी तो इस क्वेश्चन पे आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, अगर हमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे बढ़ सकते हो, उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं हम साइन सी माइनस साइन डी का, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरा बनाने का देखिए पढ़ाने का ये पर्पज होता है, मतलब बता देता हूँ मैं सारी चीजें। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 और साइन सी माइनस डी बाई, ये फॉर्मूला होता है, ये इसको आप अप्लाई कीजिए, सी का काम ये करेगा डी का काम ये करेगा, 2 cos c + d एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू और अपॉन में हमारा एच है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे आप याद करिए। देखिए इसको हमने अप्लाई किया है, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अगर हमें बेसिक सारी चीजें छोटी क्लास की पता है ना 11th 12th की 10th की तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आ सकती। फिर देखिए बस इसमें क्या क्या होगा, लिमिट अलग अलग ले सकते हैं हम, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा क्योंकि यहाँ साइन एच बाई टू है और एच बाई टू लिमिट एच टेन जीरो साइन एच और अपॉन एच तो हम जानते हैं 1 होता है, तो देखिए बस वही काम क्या है, लिमिट एच टेन जीरो 2 cos 2x + h/2 और अपॉन में 2 इंटू लिमिट अलग अलग हम ले सकते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, साइन एच बाई टू और अपॉन में एच बाई टू लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। इस वाले 2 को मैंने इस वाले टर्म के नीचे ले लिया है ना, और ये वाला टर्म मैंने इस तरीके से ले लिया, ये वाला इस तरीके से है ना, तो देखिए इसकी वैल्यू तो 1 ही हो गई, जब एच टेन 0 होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब लिमिट पुट कीजिए तो cos 2x + 0/2 तो cos 2x / 2 और इस तरीके से कैंसिल हुए, cos x आ गया नहीं आ गया, देखिए। तो देखिए इस फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के जरिए हमने फॉर्मूला मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दिया, देखिए आपके साथ मेहनत की जा रही है, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तो आप मेहनत जरूर कीजिए, जितनी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, साइन एक्स और ये हो गया कोस एक्स, आ गया नहीं आ गया,
तो देखिए आपको अच्छा लगा होगा, आपको तो अगर जिन्हें नहीं पता होगा तो उन्हें एक नई चीज जान के इस तरीके से होता है ये, जिसने 12th क्लास मजे मजे में कर ली तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो थोड़ा लेंथी तो हो रही है, बट आपको जितनी सारी चीजें बताई जा रही है आपका बेसिक क्लियर किया जा रहा है कि भाई अगर हम देखिए नंबर के लिए हमेशा पढ़ते हैं पर नंबर कोई वैल्यू नहीं रखते, नंबर खुद ब खुद आ जाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आप कहीं खड़े होकर कुछ बोलने लगो कि आप सटीक बोल सको बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लो भी बता दिया है, अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि भाई बेसिक में अगर हम बताने जाएं तो बहुत कुछ और भी बता सकते हैं, और आप मैं बता रहा हूँ बार बार जिन्हें ज़्यादा बेसिक पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन की वीडियो अपलोड की हुई है 12th क्लास की ठीक है। अब इसके क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं हम, एक तो क्वेश्चन क्योंकि इसमें बस यही आप फॉर्मूले सारे प्रूफ करके देखिए ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसमें एक्सरसाइज तो है नहीं, कह रहा है ये साइन इनवर्स एक्स की पावर लॉग एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, मतलब इसका डी अपॉन डी एक्स हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एक ट्रिक की वीडियो दी थी कि अगर हमारी x की पावर x दी हुई है, tan x की पावर sec x दी हुई है, sin x की पावर cos x दी हुई है, tan इनवर्स x की पावर sin इनवर्स x दी हुई है, और ये वाला क्वेश्चन sin इनवर्स x की पावर log x दिया हुआ है, तो इनका डायरेक्टली हम 3 सेकंड में भी आंसर बता सकते हैं। तो उस वीडियो में आप जाकर देखिए, इसकी मैंने ट्रिक दी हुई है बहुत अच्छी कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि भी हमारा वेरिएबल इसमें भी एक्स आ रहा है उसमें भी एक्स आ रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो वहां हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, उसका एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले को याद करिए। सारे जितने भी आते हैं कॉम्पिटिशन में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछ लिया जाता है, SSC के कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, NDA के में भी जरूर आता है इस तरीके का कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए ठीक है। जितने भी हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल उसकी ट्रिक भी दी है, और साथ ही में उसमें ये भी बताया कि इनका बेसिक कंसेप्ट लॉन्ग मेथड क्या है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। भाई वहाँ हम ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते, ट्रिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रिक हम यूज़ करते हैं किन क्वेश्चनों में जब हम कोई कॉम्पिटिशन के पेपर देने आ रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन तो किसी को दिखाने नहीं पाते, आंसर से भी मतलब होता है, आंसर हमारा राइट होगा तो उस पर नंबर हमें मिल जाएंगे जो कि आप जानते हैं कंप्यूटर के द्वारा कॉपी चेक होती है ना। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करते, वो आप देख सकते हैं एक वीडियो दी हुई है शॉर्ट ट्रिक के नाम से, डिफरेंशिएशन शॉर्ट ट्रिक के नाम से ठीक है, उनमें सारी चीजें बताई हुई हैं। अब हम इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसे लेट करते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x log x, और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो पता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर taking log on both side, दोनों तरफ log लेने पर तो log y log sin inverse x की power log x log y, और यह हमारा log x आ जाएगा और log sin inverse x किस तरीके से आगे आएगा देखिए। छोटी छोटी सी बात भी आपको मैं बता कर चल रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए, बार बार आपसे बस रिक्वेस्ट है आप मेहनत करोगे, क्योंकि चैनल का पर्पज़ भी देखिए सिर्फ हेल्प के पर्पज़ से चैनल बनाया गया मैथमेटिक्स वर्ल्ड की, लोगों की हेल्प हो सके ठीक है। इससे कोई पर्सनल इनकम तो आ नहीं रही भाई, इनकम के भी अभी मतलब कोई वो नहीं है कि इनकम तो मुझे चाहिए भी नहीं ठीक है, बस लोगों की हेल्प हो सके एक अच्छी पहल है। तो बस यही है आपसे गुजारिश कि आप अगर मैं इतनी पहल कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी पहल करें बस ठीक है, और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए कैसा है, लॉग m की पावर अगर n है तो यहाँ पर हम जानते हैं n लॉग m हो जाता है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यही तो है m है, इसे m की तरह मान लो, इसके n की तरह, तो याद आ गया ये हमारा लॉग साइन इनवर्स x हो गया, बस इतना काम करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ x, रिस्पेक्ट टू x, तो अगर हम इसका करते हैं तो 1 अपॉन y और dy अपॉन dx होगा,
क्योंकि लोग x के अंदर 1 अपॉन x और y का करें तो 1 अपॉन y और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। और यहाँ दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट मतलब आपको लगाना है। सबसे पहले लोग x को एज इट इज हमने ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन के लोग साइन इनवर्स x का, लोग साइन इनवर्स x का करेंगे तो लोग x का हम जानते हैं 1 अपॉन x, तो लोग x का इसको x की तरह ट्रीट करेंगे तो 1 अपॉन साइन इनवर्स x होगा। और जिसको हमने x की तरह ट्रीट करा है उसका दोबारा करना है, इसे हमने x की तरह ट्रीट करा ना भाई साइन इनवर्स x को, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका काम खत्म हुआ। प्लस फिर हमें लोग साइन इनवर्स x को एज इट इज ऐसे लिख देना है, इसका हमने डिफरेंशिएशन अभी किया है, और लोग x का फिर करना है तो 1 अपॉन x, लोग x का ये होगा, बस हमारा काम हो गया dy अपॉन dx। y को हम इधर उठा कर ले जा सकते हैं ये वाला, तो बस देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा log x अपॉन में साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x और अपॉन में x हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, y की वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स x, ये दी हुई ना भाई, और log x, log x अपॉन साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस log साइन इनवर्स x और अपॉन में x। इसको आप और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, बट अगर आप यहां तक भी रखोगे तो आपको फुल मार्क्स ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से भाई क्वेश्चन और क्या दे सकता है, x की पावर x का करो, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, tan x की पावर sec x का करो, sin x की पावर cos x का करो, इन सब का ही पूछ सकता है वो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है, एक तो क्वेश्चन चलो और ले लेते हैं, तो लॉगरिथम्स वाला हमने एक फंक्शन मतलब एक क्वेश्चन लिया, ठीक है भाई। क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो ये हमें दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये कह रहा है dy अपॉन dx निकालना है, हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो इस तरीके का बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन 12th क्लास की बुक में था, धर्मेंद्र बिश्नोई जी की बुक में था जो हमारे यूपी बोर्ड में चलती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए भाई, जिस तरीके का क्वेश्चन है तो इसे क्या बोलते हैं, इस तरीके के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, इस तरीके के जो एक्स वाई दोनों में मिक्स होते हैं, सही बात। देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस का इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, क्या निकालना है हमें dy / dx। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, डी अपॉन डी एक्स, ये सारी सीरीज हम लिख देंगे इसी तरीके से, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0, और 0 का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका करते हैं तो ये हमारा कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, तो टू ए एक्स हो जाएगा भाई इसका, प्लस 2h हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और x y देखिए दो फंक्शन है, x अलग और y अलग, इनका करना है हमें, तो पहले x को एज इट इज ऐसे ही रखते हैं,
ठीक है, y का करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस y को ऐसे रखेंगे, dx का अगर dx x का करेंगे हम d अपॉन dx तो 1 हो जाएगा, तो ठीक है, प्लस by स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला क्या होगा हमारा, देखिए 2by dy अपॉन dx होगा, है नहीं भाई? ये बात आपको ध्यान रखनी, ये इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, ये बात इसमें थोड़ा खास है बस, 2by dy अपॉन dx, क्योंकि y अगर आप कांस्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने पहले बताया, और x y और z मतलब ये तीन इस तरीके के टर्म होते हैं, यहाँ आपको बहुत सोच समझ के मानना होगा कि किसको कांस्टेंट मानना है, कांस्टेंट मानना भी है नहीं, तो 2by dy अपॉन dx भाई हमने b को कांस्टेंट माना, y स्क्वायर का 2y हुआ, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस और x के रिस्पेक्ट में 2g हो जाएगा हमारा x का, तो फिर ये 1 हो जाएगा, प्लस 2f हमारा कांस्टेंट, और इसका dy अपॉन dx, और c का हुआ हमारे 0 और ये 0, ठीक है, बस ये बात थी, और बस अब इसको एक्सरसाइज जैसे आप सॉल्व करते हैं, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2hy, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2h की, प्लस 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx बराबर 0, ये हुआ सारे टर्म dy by जो जिनके साथ dy अपॉन dx है उनको सारे को एक साथ लिख लेते हैं हम, 2hx dy अपॉन dx प्लस 2by dy अपॉन dx प्लस 2f dy by dx बराबर, और जितने हैं इन्हें उधर ढक ले आते हैं, माइनस के 2ax और माइनस के 2hy और माइनस के 2g, ठीक है, ये हम उधर उठा कर ले गए, dy अपॉन dx इसमें कॉमन आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा भाई, 2 इसमें से कॉमन, 2 उसमें से कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx ले तो यहाँ क्या बचेगा, hx प्लस by प्लस f बचेगा बराबर माइनस के, हमने 2 कॉमन लिया था तो माइनस तो हमारा कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ ax माइनस के hy और माइनस के जी, वो सॉरी प्लस आएंगे ना, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, माइनस के ax प्लस के hy प्लस के जी और अपॉन में hx प्लस के dy और प्लस के f, ये हमारा dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बताया मैंने, इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो मिक्सअप होते हैं एक्स और वाई में, ठीक है भाई, ये भी हमारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि सारी ट्वेल्थ की पुरानी यादें ताजा हो रही हैं हमारी इन क्वेश्चनों के जरिए, है ना, ये सारे क्वेश्चन ट्वेल्थ में है, बुक्स में देख सकते हैं आप, आर डी शर्मा में भी है और धर्मेंद्र बिश्नोई जी में भी हैं, जो थी हमारी मनोहर रे वाली बुक उनमें भी हैं, आर एस अग्रवाल में भी हैं, ये सारी बुक्स में हैं ये वाले क्वेश्चन, तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और बेहतर तो ये है कि हमारी बीएससी और बीए वाली फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में भी हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी भी देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, find dy upon dx if y is equal to cos x की पावर cos x, इस तरीके से आज एटी साल तक cos x की पावर cos x, अब तो इनफिनिटी तक चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब dy upon dx find करना है, शॉर्ट ट्रिक मैंने इसकी भी बनाई हुई है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो दी हुई है आपको, ठीक है, अब मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो आप देख सकते हैं, वो भी आपको डिफरेंशिएशन में बताई गई है, ठीक है, सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू cos x, जितने भी हैं इस टर्म को मान लो y, ठीक है, अभी वेरिएबल की पावर वेरिएबल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये होगा हमारा log y
वाई लोग कोसाइन्स, बस आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए वाई एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 upon y dy upon dx, y into 1 upon cos x, cos x का करोगे तो minus के sin x, plus के log cos x, इसको हमने ऐसे किस रखा y पे करेंगे तो dy upon dx, ठीक है। अब देखिए इस वाले टर्म को, ये वाले टर्म है, इसे उठा के हम इधर ले आएंगे 1 upon y dy upon dx और minus के log cos x dy upon dx बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के y sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, कॉमन ले लेंगे इसमें से, अगर हम कॉमन लेते, कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा 1 अपॉन y माइनस log cos x अपॉन माइनस के y sin x और अपॉन में cos x, ठीक है। एक टर्म हम और बढ़ा रहे हैं, dy अपॉन dx पूछ रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो एक टर्म और बढ़ा देते हैं, y log cos x और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा y माइनस के y sin x और अपॉन में cos x, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, बस इस टर्म को इधर उठा के ले जाएं और इस टर्म को देख सकते हैं आप, है ना। इसके बाद तो भाई आप कर सकते हो, चलो मैं करके बता देता हूँ आपको। देखिए dy upon dx cross multiply minus के y square sin x और upon में हो जाएगा हमारा cos x और 1 minus y log cos x, ये वाला हमने नीचे ले गए, ये वाला हम ऊपर ले गए, इसका dy upon dx ये find हो गया। और देखिए भाई कुछ लोगों का ये भी होगा कि क्वेश्चन मैच है, आंसर मैच नहीं हो रहा, आंसर कैसे मैच होगा कि y की वैल्यू रखे वो आप पुट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। या अगर आप इस तरीके से कि log y की वैल्यू भी अगर आप यहाँ पुट कर सकते हो, इस तरीके से मतलब आप आगे भी कर सकते हैं, पर इसका बेसिकली सॉल्यूशन इतना होता है, इस तरीके से आप लिखोगे तो कोई भी आपके नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो भाई ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था भाई, और भी हमारे को इसमें क्वेश्चन बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप सारे क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसे कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स वर्ल्ड के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया, उस पर जाकर आप फॉलो कीजिए, मुझे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, ठीक है। आप उस पर जाकर फॉलो कीजिए, और आप वहाँ पर कमेंट में आप कुछ भी लिखिए, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट वगैरह डाली हुई है, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई अपने फ्रेंड्स वगैरह में सारी जगह इसे शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो को आपको नोटिफिकेशन बेल सबसे पहले आपको मिल सके नोटिफिकेशन, ठीक है। और अंत में ये कहूँगा कि भाई जैसे मैं आपके साथ थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो लाइफ में सारी चीज़ गेन कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रगल करना जानते हैं और स्ट्रगल करना नहीं जानते हैं तो भाई लाइफ में हम कितने बड़े हो जाएं, पर हमें कुछ ना कुछ मतलब मिस हो जाता है हमारे लाइफ में, तो स्ट्रगल करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत इंसान होते हैं जिन्हें स्ट्रगल भी नहीं करना होता, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। लाइफ में सिर्फ ऐसे 1-2% लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना आता, लाइफ में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट 99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्ट्रगल करने से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भाई स्ट्रगल करना ज़रूरी है, तो आप स्ट्रगल करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा आप जिन लोगों ने मुझे सब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे अपना प्यार दिया है, उन सभी लोगों का कहे दिल से धन्यवाद भाई। अपना सपोर्ट ऐसे ही करके बनाए रखें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट का जरूर रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।